सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दत्त बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। ठीक, सबसे पहले तो ये बाबा रामदेव का चैप्टर नहीं है। सो बाबा रामदेव का चैप्टर ये कराते हैं, वो योगा कराते हैं। ठीक है, तो ये बाबा रामदेव का चैप्टर नहीं है, अपना एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर है। तो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुन लेना, मोर देन सफिशियंट हो जाएगा आपके लिए। अभी यहाँ पे जो कंटेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है, फिर अपन चलेंगे मेरे फोन की स्क्रीन पे, वहां पे भी कंटेंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि तुम सांस ले लो, और क्या बोलना चाह रहा हूँ। ले लेते सर, रुक जाओ, ले लेते हैं। अरे कैसे ली सर, कैसे ली? अरे भाई कैसे, क्या ली? ऐसे ली नहीं, मैं बताता हूँ कैसे ली। देख, सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रियल, फिर हुआ नेजल चैम्बर, सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रियल, फिर हुआ नेजल चैम्बर, फिर हुई नेसोफेरिंग्स। ये तो है नेसोफेरिंग्स, जैसे सांस लेते हो, ये है ओरोफेरिंग्स जिससे खाना खाते हो। एक्सटर्नल नोस्ट्रियल, नेजल चैम्बर, नेसोफेरिंग्स, फिर आया लैरिंग्स, फिर आया लैरिंग्स जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, फिर आया ट्रेकिया, ट्रेकिया को हम बोलते हैं विंडपाइप। ठीक, अब लंग्स की बात कर लूं, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल एंड देन ब्रोंकियोल नेटवर्क, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल एंड देन ब्रोंकियोल नेटवर्क एंड फाइनली हो गई एयर एल्विओलाई। ठीक है, एयर कहां की? फाइनली एल्विओलाई में, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो ये पांचवे है, तुमने तो बड़ा एलके में कर दिया, पर पांचवे कितना सही है, देखो ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ नहीं है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स के साथ लैरिंग्स, लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल नेटवर्क एंड देन एल्विओलाई। एल्विओलाई में प्राइमरी साइड ऑफ गैसेस एक्सचेंज को हम बोलते हैं। ठीक, अब देखो इंस्पिरेशन क्या होती है, सबको पता है सांस लेना होता है, पर कैसे? ठीक, और एक्सपायरेशन क्या होता है पता है? ठीक है, तो इंस्पिरेशन क्या होती है, देखो व्हेन लंग प्रेशर, हमारा लंग का जो प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जब कम हो जाता है हमारी लंग में प्रेशर कम हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जब वो कम हो जाता है तो बाहर से अंदर जो है हवा आती है। मेरा प्रेशर कम हो गया, मैं सांस ले लूं, ले ली सर। ठीक है, तो क्या हुआ था, मेरा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हुआ था तो बाहर से मैंने सांस ले ली। अब क्या हुआ, इनिशिएटेड बाय, किससे इनिशिएट होता है ये इंस्पिरेशन, इनिशिएट किससे होता है, इनिशिएट होता है डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये बात ध्यान रखना, किससे? डायफ्राम, डायफ्राम पे हमारी लंग सिचुएटेड है। ठीक है, डोम शेप होता है, कैसा होता है? डोम शेप। ठीक, तो इनिशिएटेड बाय डायफ्राम EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक, अगर एक्सपायरेशन जस्ट रिवर्स कर दो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है डायफ्राम और EICM में, मतलब एक्सपायरेशन में क्या होगा, जस्ट उल्टा, मतलब रिलैक्सेशन होगा किसका, डायफ्राम और EICM का। देखो कॉन्ट्रेक्शन कैसे हो रहा है सर, सांस लो, हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक सांस छोड़ो रिलैक्स, तो डायफ्राम का कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कि आप इंस्पिरेशन कर रहे हो एक्सपायरेशन कर रहे हो। अच्छा, फोर्सफुल जब इंस्पिरेशन करोगे ना तुम तो वो एक्टिव प्रोसेस होगा, सारी सांस मैं ही लूंगा आज। ठीक है, वो जिंदा रहने के लिए सांसें जरूरी होती है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बस ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात तुम्हें क्लियर होगी, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन। ठीक, पांचवे तुम्हें क्लियर हो गया। अब देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हमें तो सर लंग्स एकदम वेल डेवलप्ड है, हम तो वी आर होमो सेपियंस, सेपियंस सर बहुत डेवलप है, पर बाकी बिचारों में क्या करना। देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, देखो जनरल बॉडी सर्फेस से भी लेते हैं रेस्पिरेशन, कौन करता है, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म, एनिमल डाइवर्सिटी हम देखेंगे कौन कौन करता है, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म, मोस्ट स्किन, गिली गिली स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, जैसे अर्थफॉर्म गिली मिट्टी में रहता है। ठीक है, और फ्रॉग। ठीक है, तो ये दोनों बात याद रखना, फ्रॉग तो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है पर कभी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक, तो मोस्ट स्किन से कौन करता है, अर्थफॉर्म, फ्रॉग, फिर आएगा ट्रेकियल ट्यूब्यूल, इससे करता है इंसेक्ट, और इंसेक्ट में बेस्ट एग्जांपल मैं दूं तो कॉकरोच, क्योंकि तुम्हारे कॉकरोच एनसीईआरटी में भी है, तो ध्यान रखना कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका, ट्रेकियल ट्यूब्यूल। ठीक, अब देखो गिल्स से, गिल तो पानी में होता है, मतलब एक्वेटिक आर्थ्रोपोड फिश और मॉलस्कस। ठीक है, तो पानी वाले सारे जानवरों के लिए क्या बोल रहे तुम, गिल्स। ठीक है, तो इंसेक्ट का बता दिया मैंने तुम्हें, कौन सा इंसेक्ट है, कॉकरोच, जो कि ट्रेकियल ट्यूब्यूल, मॉइस्ट स्किन का बता दिया, जंगली घोड़ी सर्फेस का बता दिया। अब लंग्स सर, लंग्स तो हमें है और हम मैमल्स है। ठीक है, तो रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। ठीक है, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स से होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक, एग्जाम्पल मैंने दे दिया तुम्हें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या तुम्हारा डायवर्सिटी भी क्लियर हो रहा है और तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं। मान लो इंसेक्ट में पूछ लिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ठीक है, तो डायरेक्ट टिक करने का काम होगा, तो इसको याद रखना अच्छे से। अब देखो फूड का पाथवे ओरोफेरिंग्स, एयर का पाथवे नेसोफेरिंग्स, फूड का पाथवे क्या है ओरोफेरिंग्स, एयर का पाथवे क्या है नेसोफेरिंग्स। ठीक है, बहुत कॉमनली हम इसको कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, कॉमनली कॉल्ड फेरिंग्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो हम ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सर हमारी सेल जो है CO2 रिलीज कर रही है और उसको ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो हमारा आगे का प्रोसेस कर सके, कुछ भी काम हमारा सेल ही तो करती है। ठीक है, तो देखो सेल जो है CO2 निकाल रही है और ऑक्सीजन ले रही है, इसको हम बोल रहे हैं गैसेस ऑफ एक्सटेंट, कोई जादू टोने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, सेल CO2 निकाल रही है और ऑक्सीजन ले रही है, ऑक्सीजन कैसे ले रही है,
हम ले तो रहे सांस, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन देख लिया। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये बात ध्यान रखना, ब्लड में ऑक्सीजन किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। और ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर। तो ये बात भी तुम्हें ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर। अच्छा, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, बड़ा बेवफाई शो करता है ऑक्सीजन के साथ और बड़ा प्यार शो करता है CO2 के साथ। वो कैसे करता है अपन देखेंगे मेरी फोन की स्क्रीन पे। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल हो, ठीक। अगला देखो, एक हीमोग्लोबिन का मोलिक्यूल चार चार ऑक्सीजन को लेके साथ चलता है। कौन? एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। तो ये बात ध्यान रखना, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार चार ऑक्सीजन को लेके साथ चलता है, नाले को हर बात को गलत, ठीक। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुन लेना। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अपन जो है फोन की स्क्रीन पे देखेंगे ग्राफ, ठीक है। कर्व देखेंगे सिग्मोइड शेप का, मतलब लेफ्ट साइड जाता है वो और फिर राइट साइड जाता है, तो किस टाइम फेवरेबल होता है वो सब अपन देखेंगे फोन की स्क्रीन पे। पर ये बात ध्यान रखना अभी से, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये तो वो स्लाइड की बात, और इसको इंपॉर्टेंट है ध्यान रख के जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इससे ही बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे, वहां पर अपन ग्राफ वगैरह देख लेते हैं, CO2 और हीमोग्लोबिन की बेवफाई देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे, चैप्टर खत्म करते हैं। ओके, तो आप आ गए हो मेरी फोन की स्क्रीन पे, अपन चल रहे हैं ड्राइव में, और ड्राइव में आज का लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। देखो अभी मैंने लेक्चर में जो भी बोला ये उसकी स्लाइड, इसका पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्विक रिवीजन में हेल्प हो जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, टोटल O2 जितने भी हम इनहेल करते हैं, मतलब टोटल ऑक्सीजन जितने भी हम लेते हैं, उसमें से 3% तो डिसोल्व हो जाती है प्लाज्मा में, और 97% बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये तो हमने लेक्चर में भी देखा था। पर कितना परसेंट? 97% ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, और 3% डिसोल्व इन प्लाज्मा। अब देखो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार चार, हाँ सर याद है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर उनको कैरी करता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 100 ml ऑफ ब्लड की, तो 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट 20 ml ऑफ O2। ये बात ध्यान रखना, 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट 20 ml ऑफ O2, जिसमें 5 ml जो है लिबरेटेड हो जाती है टिश्यू लेवल के लिए, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख के जानी है आपको। चलो अगला देखते हैं अपन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर। सबसे पहले तो ये याद रखो ये सिग्मोइड शेप का होता है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो किस शेप का होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लेफ्ट शिफ्ट बता रखा है और एक राइट शिफ्ट बता रखा है। ये तो हुआ नॉर्मल ग्राफ, ठीक है। ये है लेफ्ट शिफ्ट, ये है राइट शिफ्ट। अब देखो लेफ्ट शिफ्ट जो होता है ना वो फेवरेबल होता है, ठीक है। अब नाम देखो क्या लिखा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मतलब क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यही बनेगा यहाँ पे। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है। और ज्यादा होनी चाहिए तभी फेवरेबल होगा, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट कब फेवरेबल होता है, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा, जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो हाई PO2, बाकी सब लो CO2, लेजर H+, लोअर टेम्परेचर पर हाई PO2। अच्छा ये बात ध्यान रखना, लेजर H+ मतलब एसिडिक कम, ठीक है। H+ कम मतलब एसिडिक कम, मतलब बेसिक ज्यादा, ठीक है। तो कभी बेसिसिटी पूछ ले तो वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और हाई PO2 होना चाहिए। तो ये ग्राफ आपको इस तरीके से याद करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है लेफ्ट शिफ्ट जो होती है वो फेवरेबल होती है, मतलब वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन अच्छे से होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन 3 फॉर्म, ठीक है। किस किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, देखो सबसे ज़्यादा तो होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट फॉर्म में। फिर होता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जो 20-25% होता है। फिर होता है डिसॉल्वड इन ब्लड प्लाज्मा जो कि होता है 7%, ठीक है। तो वहाँ तो 97 और 3 था ऑक्सीजन, पर यहाँ पे CO2 कितना है, बाइकार्बोनेट में 70%, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन में 20-25% और डिसॉल्वड इन प्लाज्मा अप्रोक्स 7%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो लिखा हुआ है 100 ml ऑफ डी ऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्स 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्विलाई। 100 ml ऑफ डी ऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्स 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्विलाई, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है मैंने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुलरी रीजन एंड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पोन्स रीजन, ठीक है। तो ये जो है MCQ में ऑप्शन बन के आते हैं, ठीक है, कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पर होता है, वो होता है मेडुलरी रीजन में। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ पे होता है, वो होता है पोन्स रीजन में। देखो P से न्यूमोटॉक्सिक, P से पोन्स रीजन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक।
अब देखो एस्थमा और एम्फाइसीमा में क्या डिफरेंस है। एस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल नेटवर्क, इनमें जो इन्फ्लामेशन होता है वो उसको हम बोलेंगे अस्थमा, ठीक। एम्फाइसीमा क्या है, एल्विलर वॉल डैमेज हो जाती है, जो आपकी एल्विलाई होती है उस पर जो एल्विलर वॉल है, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क यही है कि वहाँ पर ब्रोंकाई हो रहा है, यहाँ पे एल्विलर वॉल डैमेज हो रही है, ठीक है। और एम्फाइसीमा को आप ट्रीट कर सकते हो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन से, किससे, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन से, ठीक है। ये जो आपको बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में मिल जाएगा क्लास 12th में, ठीक है। अब देखो मैंने इंटरनल रेस्पिरेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके पढ़ लेना, 5-6 मिनट की वीडियो है, अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होगा, देखो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला एंड न्यूमोटेक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पोन्स। देखो मैंने वही लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला, न्यूमोटेक्सिक कहाँ पे प्रेजेंट है, पोन्स में, ठीक है। पर इस मेडुला के फंक्शन को अल्टर, अल्टर मतलब चेंज कौन कर सकता है, वो कर सकता है पोन्स, ठीक है। पोन्स जो है कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ मेडुला, ठीक। और मेडुला के जस्ट पास होता है कीमो सेंसिटिव एरिया, जो कि सेंसिटिव होता है CO2 और H+ के लिए। देखो नाम क्या है, कीमो सेंसिटिव, तो किसके लिए सेंसिटिव है, CO2 और H+ के लिए। अब देखो कैसे वर्क होता है, कीमो सेंसिटिव एरिया एंड मेडुला आर प्रेजेंट एडजेस्टेंट टू इच अदर। हाँ सर समझ गए, आप ऐसे ही पास पास नहीं बना रहे हो, एडजेस्टेंस होते हैं इसलिए आपने पास पास लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब CO2 और H+ जो है बढ़ जाता है, ठीक है, तो कीमोसेंसिटिव एरिया उसे डिटेक्ट करता है और मेडुला को सिग्नल सेंड करता है, फिर मेडुला क्या करता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ाता है और CO2 और H+ को मेंटेन करता है। मतलब क्या हो रहा है भैया, कीमोसेंसिटिव एरिया ने डिटेक्ट किया कि हाँ CO2 और H+ की कंसनट्रेशन जो है बढ़ चुकी है, फिर मेडुला को सिग्नल सेंड किया, मेडुला ने ब्रीथिंग रेट बढ़ाई और CO2 और H+ के जो इंक्रीमेंट था उसको कम कर दिया, ठीक है, लेवल में ला दिया, मेंटेन कर दिया। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखो लिखा है एक्टिविटी ऑफ मेडुला इज मॉडरेटेड बाय पोन्स। हाँ सर आपने बता दी, पोन्स जो है मेडुला की एक्टिविटी को अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है उसके फंक्शन को, ठीक। अब देखो एक और बात है, काम की बात है, एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी कैन ऑल्सो रिकोगनाइज द इंक्रीमेंट लेवल ऑफ CO2 एंड H+। कौन कौन, एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। देन ये सिग्नल सेंड करती है रिदम सेंटर को, रिदम सेंटर जो है एक्शन लेता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, देखो पूरे चैप्टर का वेटेज एक तरफ और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का वेटेज एक तरफ, ठीक है। आपको वॉल्यूम्स याद रखनी है, जैसे टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml, ठीक है, ml में होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक, सब चीज़ ml में है। देखो टाइडल वॉल्यूम 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000, कितनी, 2500 to 3000, ठीक। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये कितना होता है, 1000 से 1100, तो हम लेंगे ज़्यादा देंगे कम, लेंगे कितना 2500 से 3000 और देंगे कितना 1000 से 1100, और टाइडल वॉल्यूम कितनी थी 500, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो रेजिड्यूल वॉल्यूम कितनी बार राजी किया, कितनी बार मनाया मैंने तुम्हें, वो होती है 12 बार, कितनी बार, 12 बार, ठीक है, तो ऐसे याद रखना 1200 ml, ठीक। रेजिड्यूल वॉल्यूम कितनी होती है, 1200 ml, ठीक। अब देख इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब तू कितना अंदर ले सकता है सांस को, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को प्लस कर देना, 500 और 2500 अप्रोक्स 3000, या फिर 500 और 3000 तो अप्रोक्स 3500 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना निकाल सकता है, तो वही टाइडल वॉल्यूम, देख मैं हटा देता हूँ इसको, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब ERV प्लस RV, RV मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम, ERV मतलब हम कितना निकाल सकते हैं, मतलब 1000 से 1100 नॉर्मली, ठीक है, तो ERV प्लस RV ये हो गया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब देख एक होती है वाइटल कैपेसिटी, एक होती है टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग में तो क्या आ जाएगा, टाइडल भी आ जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व भी आ जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व भी आ जाएगा और रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी में क्या आएगा, एक सेकंड में हटा देता हूँ ये, वाइटल कैपेसिटी में क्या आएगा, सिर्फ टाइडल, इंस्पायरेटरी रिजर्व और एक्सपायरेटरी रिजर्व, मतलब ये तीन तो हो गए ऊपर के वाइटल, और ये अगर चारों मिला दूँ तो होगी टोटल लंग कैपेसिटी। तो इनको प्लस करते जाना, आपको वैल्यू आती जाएगी, रट के कुछ मत जाना, सिर्फ समझ के जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर, और अगर ये किसी को समरी चाहिए तो भैया ले लो SS, क्वालिटी सुधरने दो, हाँ क्वालिटी सुधर गई, ले लो SS, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।